हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रीना पर फुल ऑफिशियल। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप लोग की दुआओं की वजह से और आपके आशीर्वाद की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आई हुई हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि BHU में है, न्यू वाला। तो कुछ यहाँ का ऐसा व्यू है। और आज का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि इस मंदिर का होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं भी बनारस आई हुई हूँ और मैं बहुत सारी जगह घूम रही हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ जितना ज़्यादा हो सके ब्लॉग शेयर कर पाऊँ, बिकॉज आप लोग मेरा ब्लॉग वीडियो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग मेरा ब्लॉग वीडियो देख पाए और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो बहुत ज़्यादा तो शेयर नहीं कर पा रही बिकॉज मैं अपना लैपटॉप नहीं लेकर आई हूँ, मेरे पास फ़ोन है तो फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ। और जल्दी जल्दी एडिट करके कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो इस तरह का कुछ व्यू है यहाँ पर। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, बट देखते हैं कितना मैं शेयर कर पाती हूँ। एंड बिना स्किप किए आपने वीडियो फुल देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। प्रेस ऑल्सो दी बेल आइकन, जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो बना उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक जाए। और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देखकर खूब सारा प्यार दें। और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें देख पा रही हूँ और शूट कर पाऊँगी। एक्चुअली क्या होता है कि कई चीज़ें शूट नहीं कर सकते हम लोग, और कई जगह कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो वो चीज़ें मैं नहीं शूट कर पाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ शूट नहीं कर सकते, बट मैं कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और कुछ इस तरह का व्यू है, सो बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। चल जल्दी फिनिश करो अपनी कॉफ़ी। तो यहाँ पे प्यू देखो चाय नहीं था, इसलिए हमने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की है। यहाँ ऐसा व्यू है, फिनिश करो। ना कि एक चीज़ सबसे अच्छी है कि हर चीज़ कूलर में मिलता है, है ना? तो यहाँ पे हम लोग एकदम सुबह ही आ चुके हैं दर्शन के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, चाय वगैरह भी घर पे नहीं पिए, यहीं पे आके हमने चाय पिया। जैसे कि मंदिर के आगे आपने देखा होगा, वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह और काफ़ी सारे शॉप्स वगैरह हैं खाने पीने के, तो वहाँ पे आप लोग खा पी सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लाइन से 2-3 शॉप्स थे प्रसाद वगैरह लेने के, तो यहाँ पर प्रसाद वगैरह लिया। एंड हम लोग अब दर्शन के लिए जाएंगे, जैसे कि आप लोग वीडियो में भी देख रहे होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में, जिसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल। मुझे लगा यहाँ पे फ़ोन या कैमरा अलाउ नहीं होगा, बिकॉज किसी मंदिर में नहीं होता। तो और इतना बड़ा मंदिर है तो यहाँ भी नहीं होगा, बट यहाँ पे अलाउ था। रियली मीन्स मैं बहुत खुश हो गई। तो चलिए दोस्तों, न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर की कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं। तो ये विश्वनाथ टेम्पल बनना स्टार्ट हुआ था 1931 में और 1966 में बनकर कंप्लीट हो गया। इसको बनने में 35 इयर्स लगे। और इसकी हाइट की बात करें तो 253 फीट के आसपास इसकी लेंथ है।
मीन्स 77 मीटर ऊंची है और यह टेंपल वन ऑफ द बेस्ट टेंपल एंड वन ऑफ द टॉलेस्ट टेंपल के नाम से भी जाना जाता है एंड इसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है और इसके नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में बहुत सी देवी देवताओं को भी रखा गया है जैसे कि आगे आप वीडियो में देखना। एंड यह टेंपल मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था एंड यही हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, मतलब यही BHU के संस्थापक थे। मंदिर का भगवान का दर्शन करने के बाद यहाँ से आप निकलते हैं और निकलने के बाद यहाँ पे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं जैसे कि आप लोग मिलकर देख रहे होंगे। यहाँ पे पूछे लोग कर रहे हैं, यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे हम लोग। एक बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे मांगे ऊपर से मैं आप लोगों को नीचे की व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। तो ये मंदिर से बाहर आते हुए का है व्यू। ये पीछे साइड का आई थिंक व्यू है, मंदिर के पीछे साइड का भी आई थिंक सो, नहीं आगे से है, आगे का है। ये आगे का कुछ ऐसा व्यू है। इनकी मस्ती यहाँ भी हो रही है। साइड का वो जो मैंने दिखाया था बाहर का फ्रंट का था एंड यहाँ पे ये साइड व्यू है। ओ माय गॉड, धूप स्टार्ट हो चुका है तो फटाफट से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर हमें यहाँ से निकालें। हमें दूसरे बंदे भी आ जाने, बिकॉज आज ही हमारी ट्रेन में जाना भी है तो हमें एक दिन मंदिर बहुत घूमना है। तो फटाफट से मैं आपको बैक कैमरे से थोड़े बहुत व्यू वगैरह दिखा देती हूँ। अब Yeah.
से मैं ढूंढ रही हूँ कि लोग गए कहाँ, ये तो वहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब हाँ ठीक है, ये सब क्या लिखा हुआ है? दर्शन हो गया है एंड दर्शन करने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं। सो ये है बाहर का रास्ता। और ये है अंदर का भगवान जी का, ये यहाँ पे है। सो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। पता नहीं क्या है, जो एकदम से कुछ दिखा है तो वहाँ देखने जा रहे हैं। ये क्या चीज़ है? अच्छा ये आम का पेड़ है, इस पे आम भी लगे हुए, छोटी छोटी अमियाँ लगी हुई हैं। एंड यहाँ पे फोटो अच्छी आएगी, मुझे पता ही नहीं था इसलिए यहाँ पे। तो यहाँ से मंदिर का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखो देखो ऊपर मंदिर कितना अच्छा दिख रहा है। ये बड़ा वाला ओ तो आप लोग को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताना, और जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड लाइक कमेंट बिल्कुल करना मत भूलना। तो लाइक करना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। आप मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग गाइज। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay, all I want.